जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रभु विनायक की जय। प्रभु विनायक की जय। विनायक की जय। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं मायुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्ययः पठेन्नरः न च ये कैसे संभव है। सर्वासिद्धिकरं प्रभो रूपा वर्षा होगी अवश्य होगी तुम्हारे प्रभु विनायक की। देखा चाचा जी, प्रभु की लीला जहाँ होती है ना वहाँ कुछ भी सूखा नहीं रहता। आपका कहा सत्य हो गया, प्रभु स्वयं प्रकट हुए। अब देखिए जले जले चाचा जी। इस बंजर भूमि में जल ही जल होगा, नदी भी अवतरित होगी। सत्य कहा था आपने, नदियां अवतरित होगी तो देखिए हो गई, जल ही जल है यहाँ। चाचा जी, हमने आपसे कहा था ना कि प्रभु स्वयं आएंगे हमारी सहायता के लिए, देखिए ना वो आ गए हैं। दुष्ट, इतने महान विनायक भक्तों को तुम जानबूझकर कष्ट दे रहे थे। बहुत अत्याचार किया है इनके साथ, बहुत सताया है इन्हें। तुमने इन्हें बंजर भूमि दी थी ना, आज इन तीनों की भक्ति और आस्था से ये बंजर भूमि पावन भूमि बन गई है। आज वही कानी या एक कोना भूमि इस श्री फल के जल से अभिषिक्त होकर पाकम अर्थात जल से परिपूर्ण हो गई है। अब ये भूमि बंजर नहीं, कानी पाकम के नाम से विख्यात होगी। तब से भूमि का वो छोटा सा कोना उस पूरे क्षेत्र में कानी पकम के नाम से विख्यात हो गया। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, क्षमा करना गणपति बापा। तुम लोग भी मुझे क्षमा कर दो, बहुत अन्याय किया है तुम लोगों पर, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। उठिए चाचा जी, हम आपके पुत्र समान हैं और एक पिता समान बड़े का क्षमा मांगना शोभा नहीं देता।
और हम कोई नहीं है क्षमा देने वाले। क्षमा का अधिकार तो केवल हमारे प्रभु श्री विनायका का है। आप उन्हीं की आराधना कीजिए, वही आपको क्षमा करेंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु विनायक की जय। प्रभु विनायक की जय। प्रभु श्री विनायका की जय। प्रभु श्री विनायका की जय। विनायका। कुछ समय बाद वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। मेरे उन तीनों भक्तों को मेरे वरदान के कारण दिव्यांगता से मुक्ति मिली। इसीलिए मेरी इस स्वयंभू प्रतिमा को भक्त स्वयंभू वर सिद्धि विनायका के नाम से पुकारने लगे। जो भी भक्त अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे इस वर सिद्धि मंदिर में दर्शन के लिए आता है, उसे मनोवांछित वरदान की प्राप्ति होती है। पश्चाताप में क्षमा मांगने वाले को क्षमा दान भी मिलता है, जैसे उस दुष्ट चाचा को मिला। इतना ही नहीं, मेरे उन तीन भक्तों की भक्ति का प्रतीक है कि आज भी मेरी स्वयंभू प्रतिमा का आकार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे इस मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा है। अच्छा तो बताइए पुष्पदंत जी, आपने कानीपकम की कथा से क्या सीखा? व्यक्ति ही वो नहीं, व्यक्ति को अपनी शारीरिक कमियों के कारण स्वयं को दुर्बल नहीं समझना चाहिए और उन्हें अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। सब कुछ भूलकर सफलता प्राप्त करने के लिए लगन से अपना कर्म करना चाहिए। भक्ति और कर्म में जो संतुलन बना कर रखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं, जैसे मेरे इन तीनों भक्तों ने किया और फलस्वरूप उन्हें मेरा वर मिला। सत्य तो ये है, भगवान स्वयंभू बनकर ही नहीं आते, अपितु भक्तों को बिना मांगे भगवान सब कुछ देते भी हैं। हाँ प्रभु, मैं समझ गया। तो अब आप भागेंगे तो नहीं? बोलिए बोलिए पुष्पदंत जी। किंतु गणेश जी, आपने वचन दिया था कि अगर मैं आपकी कथा पूरी सुनूंगा तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। उचित है, पूछिए। इन्हें मैं प्रश्न के चक्र में उलझा कर निकल जाऊंगा। कदाचित ये इनकी भाग निकलने की कोई योजना तो नहीं? आप तो बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, कोई भी कठिन प्रश्न आपके लिए सरल होगा। तो मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछता हूँ। उचित है, आप सरल ही पूछिए। बहुत सरल है प्रभु, बस आपको आंखें बंद करके ये बताना है कि मेरी कितनी उंगलियां खुली हैं। बस इतना ही? हाँ बस इतना है। किंतु गणेश जी, आपको ये वचन देना होगा कि आप अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना सरल ही होगा। उचित है। जया मौसी, आप भी अपनी आंखें मूंद लीजिए। अब उचित है, एक बार पुनः पूछिए आपका प्रश्न। पुष्पदंत जी, मैं आपके प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप पूछते क्यों नहीं? गजानन, सब व्यर्थ हो गया, हम पुनः उसी परिस्थिति में आ गए। ज्ञात नहीं इस बार कहां जाकर छिपे होंगे पुष्पदंत जी। चपल तो बन गए चकमा देकर, किंतु चतुराई का भान नहीं। ऐसी दिशा में छिप गए जिसका उन्हें ज्ञान नहीं। चिंता मत कीजिए जया मौसी, मैं उन्हें फिर ढूंढ निकालूंगा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके भीतर प्रवेश करता हूं मैं। क्या हुआ ये? साधारण ऋषि और मैं असाधारण पिशाच, फिर भी इनमें प्रवेश नहीं कर सका? ऐसी अपार शक्ति कहां से अर्जित की है इन्होंने? काशी की पावन भूमि में तप करने वाले ऋषि मुनि के तन में पुष्पदंत जी को आश्रय मिलना कठिन है। यहीं लौटने पर विवश होंगे वो। कोई तो होगा जिसमें मैं उपास कर सकूंगा। शीघ्र कुछ नहीं किया तो गणेश जी ढूंढ लेंगे मुझे। गजानन, पार्वती नंदन, वो आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकेंगे। उनका पिसाची स्वभाव उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। आप उचित कहती हैं मौसी, उन्हें मुझे ही खींच कर लाना होगा। कुछ करो पुष्पदंत, इनमें से किसी ऐसे के भीतर घुसो जिसकी दिव्य शक्ति के आगे गणेश जी भी कुछ ना कर सके, वो भी ना निकाल सके मुझे। कोई तो ऐसा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पमाला में सभी पुष्पों का मुग्धल एक होना चाहिए। इस प्रकार चंदन के लेप में जल की मात्रा कम रखेंगे तो लेप अधिक तरल भी नहीं होगा और मस्तक पर टिकेगा। पूजा में कैसे बेलपत्र चढ़ेंगे उन पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इनमें से किसी पर भी कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। भृंगी जी, आपने हवन कुंड को उचित प्रकार से स्थापित नहीं किया है। और हाँ, ध्यान से देख लीजिए, सर्व सामग्री आ गई है ना? मुझ में और इनमें तो बड़ी समानता है। सभी के कार्य सुधार रहे हैं, क्यों ना मैं भी इनके भीतर प्रवेश कर अपना कार्य सुधार लूं, ऐसे छिपूं कि गणेश जी की दृष्टि से भी बच जाऊं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी। मैंने आपके लिए मिष्ठान बनाए हैं स्वामी, जिससे भजन संध्या के लिए आपके सुरों में और मिठास आ सके। मैं लेकर आती हूँ। रुको प्रिय, धन्यवाद, किंतु प्रभु भजन का गान किए बिना मैं अपने मुख में भोजन का ग्रास रखने का पाप कैसे कर सकता हूँ? आपकी भक्ति तो अतुलनीय है पुणिया स्वामी जी, अद्भुत। ये तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु हाँ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि महादेव के स्तुति गान के बिना मेरे लिए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं, उनके प्रसाद के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी संकट हो, भूत हो, पिशाच हो, मेरी भक्ति के प्रभाव के कारण छिटक कर दूर हो जाते हैं, मेरा स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। मिष्ठान विशेष है, आपने विशेष रूप से बनाया है, तो विशेष रूप से प्रभु को भजन संध्या में प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, फिर हम सभी प्रसाद को प्रेम से मिलकर ग्रहण करेंगे। उचित है स्वामी। आप सभी को स्मरण रहे, भजन संध्या समय पर आरंभ हो, प्रभु के कार्यों में विलंब मुझे नहीं भाता है, यह भी मेरा नियम है। और नियम कोई भी हो, शास्त्रों द्वारा निर्धारित या स्वयं मेरा बनाया हुआ,
किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता, कदापि नहीं करता। किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता। आप सभी लोग संध्या भजन की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा स्वामी जी। जाइए भोग लेकर आइए। जी स्वामी। ओम नमः शिवाय। नियम का ज्ञान बांटने वाले ने स्वयं ही शास्त्रों का नियम बंद कर दिया और स्वच्छ पांव लेकर आसन पर बैठ गए। अचानक स्वामी जी को क्या हो गया? हाँ, अचानक इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे स्वामी जी? ये इनके मुख पर कैसी मुस्कान है? ये आज हो क्या रहा है यहाँ? पूजा आसन पर ये विचित्र मुद्रा, स्पष्ट है पिशाची प्रवृत्ति ही है ये। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? भजन संध्या का समय बीता जा रहा है, विलंब हो रहा है। भजन कीर्तन करना है, भोग लगाना है और प्रसाद बांटना है। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ क्यों नहीं, आज पहले ही प्रसाद बांट देते हैं फिर करेंगे कीर्तन। यही ठीक है ना? अरे खड़ी क्यों हो, मुझे दो ला। स्वामी इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप? पुष्पदंत जी, आपको ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप किसी के भीतर छिप कर भी नहीं छिप पाते। सौम्य सुंदरी सुशीला नील नैना और मधुरा। समय और परिस्थिति दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। सौम्य सुंदरी और तू शिव, तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है, शशि की शोभा तेरे बाल सात्विक साक्षात तू कपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम तुझे शत शत नमः। अद्भुत। शत शत नमः। ए, रुको। यहाँ मेरे आश्रम में गायन मैं ही करता हूँ। मुझे लगा भजन संध्या है, इसमें तो कोई भी भक्त गायन कर सकता है। वैसे भी आज तो आपके सुर और ताल दोनों बिगड़े हुए हैं। मेरे जैसे महान संगीतकार के बिगड़े हुए ताल में भी सुर होता है। मुझे सुर और ताल का पाठ सिखाने वाले कौन हैं आप? क्या जानते हैं आप संगीत के बारे में? कोई नहीं, मैं तो महादेव का एक तुच्छ भक्त हूँ और इस भजन संध्या में गायन की इच्छा रखता हूँ। सुना नहीं आपने,
यहाँ गायन केवल मैं ही करता हूँ और मैं ही करता रहूंगा। किंतु ऐसा क्यों? संगीत तो मुक्त धारा है, उसे कोई कैसे बांध सकता है? और विशेष रूप से वो जो गायन में निपुण ही ना हो, वो मुझ जैसे संगीत में पारंगत व्यक्ति को भला क्यों रोकेगा? अच्छा, तो तुम संगीत शास्त्री मानते हो अपने आप को? तो आओ आओ, संगीत स्पर्धा क्यों ना हो जाए हम दोनों में। आओ 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 आओ। ये तो गणेश जी हैं, यहाँ भी पहुंच गई, स्पर्धा के लिए तैयार हो गई। अवश्य मुझसे कुछ भूल करा के मुझे इन पूर्णिया स्वामी के तन से बाहर निकालने की योजना बनाई है इन्होंने। किंतु आज गणेश जी की योजना धरी की धरी रह जाएगी। जो ये कहेंगे उसका उल्टा करूंगा मैं। अधिक समय तक इन स्वामी जी के तन में नहीं छिप सकेंगे आप पुष्पदंत जी। स्वामी जी, पहला अवसर आपका है, आरंभ कीजिए। नहीं नहीं, पहले आप ही आरंभ कीजिए, क्योंकि एक बार जब मैंने आरंभ कर दिया तो कदाचित आप कहा नहीं पाएंगे। ये जो भी जाल बिछाएंगे उसका उल्टा करने पर मैं उससे पछता रहूंगा। सूर्य भोर हुई। हाँ हाँ, अस्त सूर्य सांझ हुई। तितलियों ने भरी बागों में उड़ान, सो गए पंछी सारे अपने मचान। लीजिए स्वामी जी, गंगा जल पीजिए, कंठ तर हो जाएगा। कहीं गंगा जल पिलाकर गणेश जी मुझे पूर्णिया स्वामी के तन से निकलवाना तो नहीं चाहते? नहीं, मैं अभी भी इनके कहे का उल्टा ही करूंगा। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। तो जो भी मैं कहूंगा उसका उल्टा करेंगे आप? बम बम भोले कन कन में है शंकर, सब दर्शन कर लो भोले का आकर। ये जीवन हो जगमग जगर, जगमग जगर। बम बम डोले हर कण में है कंकर, ये जीवन हो अजर अमर, अजर अमर। तो प्रभु महादेव का नाम नहीं लेंगे आप? फिर तो आपके मुख से माता का नाम ही बुलवाना पड़ेगा। शंभु महेश नील कंठ शशि शेखर, सती साध्वी भवानी भवमोचनी दुर्गा। तो अंततः माता का नाम ले ही लिया आपने। बम बम भोले कन कन में है शंकर, जय जय माता रानी की जय कर। बम बम भोले कन कन में है शंकर, जय जय माता रानी की जय कर। 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 अब बचकर कहाँ जाएंगे पुष्पदंत जी? जय जय माता रानी।
रच गए ना मेरी चाल में। यहाँ है तो वहाँ कौन है प्रभु? मैं, वहाँ भी तो मैं ही हूँ। लीजिए स्वामी जी, गंगा जल पीजिए। स्वामी, क्या हुआ आपको? क्या हो गया था मुझे? एक भी नियम नहीं भंग करने वाला मैं, आज इतने सारे नियम भंग करता चला गया। अहंकार वो अवगुण है जो बुराई के सारे द्वार खोल देता है स्वामी जी। आज आपने अपनी भक्ति के अहंकार में बिना पांव धोए आसन ग्रहण करने की भूल जो की थी। किसी भी नियम को तोड़ने की भूल पूर्णिया स्वामी कभी नहीं करता। उचित कहा आपने, भूल तो हुई है मुझसे, घोर भूल। अहंकार जब अति विश्वास बन जाए तो ऐसी भूल संभव हो जाती है। बुराई आपके भीतर की अच्छाई पर सेंध लगा देती है। भक्त रूपी धर्म पर पिशाच रूपी अधर्म हावी हो जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, आज के बाद मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा पंडित जी। अब स्वेच्छा से चलेंगे आप या फांस में बांध कर ले जाना होगा? फांस की क्या हो सकता है गणेश जी, कष्ट होता है, मैं स्वयं चलता हूँ वहीं जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं। गणेश जी, आप मुझे बार बार यहाँ क्यों लाना चाहते हैं? बार बार यहाँ से भाग क्यों जाते हैं आप? उचित है तो अब पूछूं? तो गणेश जी बताइए, बार बार मुझे यहाँ लौटाने से क्या प्राप्त होगा आपको? वचन दिया है इन्होंने, केवल वचन के लिए ही नहीं, आपको भक्ति का महत्व समझाकर इस पिशाच योनी से मुक्त कराना चाहते हैं, ताकि हम कैलाश में फिर से एक साथ रह सकें और प्रभु महादेव की कृपा का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। मैं नहीं बदला, भक्ति का फल यदि मुझे देना होता तो क्षमा कर देते, दंड नहीं देते, दे अपने पास कैलाश में रखते, आसरा देते मुझे। बस भगवान को ही सब देना चाहिए था, आपको सब चाहिए उनसे, किंतु आपने क्या दिया उन्हें? अपने लाभ की चिंता सभी को सदा रहती है, किंतु एक पल के लिए भी कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझसे किसी दूसरे का क्या लाभ हो रहा है? एक साधारण भक्त भगवान को भला क्या दे सकता है? अपना विश्वास, अपनी भक्ति, और इतना ही नहीं, भक्त चाहे तो अपने भगवान को आसरा भी। आसरा? उस सभी को आसरा देते हैं, उन भगवान को भला कोई आसरा कैसे दे सकता है? दे सकता है, एक साधारण भक्त भगवान की अद्भुत सेवा कर सकता है। जिन माता की जय जयकार करने पर पूर्णिया स्वामी को आपसे मुक्ति मिली, उन्हीं देवी माता जगत जननी आदि शक्ति के माता वैष्णो देवी स्वरूप को त्रिकुट पर्वत पर उनका आसरा उन्हें एक भक्त ने ही दिया था। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। अद्भुत, किंतु भला ये कैसे संभव है? आप रुकिए मत गणेश जी, सुनाइए संपूर्ण कथा सुनाइए। उचित है, तो सुनिए माता वैष्णो देवी और उनको आसरा देने वाले भक्त की कथा। ये कथा प्रारंभ होती है कलयुग के आरंभ से, जो अपने प्रथम चरण में ही अत्यंत प्रबल हो उठा था
जो प्रभु श्री राम के परम भक्त चिरंजीवी श्री हनुमान की चिंता का कारण था। हनुमान जी प्रभु श्री राम अवतार के प्रस्थान के बाद भी गंध मादन पर्वत पर स्थित थे, जहां वो नियमित रूप से युगों तक अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा आराधना कर रहे थे। वहीं उन्होंने महान ऋषियों की सभा में भी भाग लिया था। कलयुग में पाप की अति हो रही थी। पुत्र लालच में अंधा होकर पिता की हत्या कर रहे थे। बच्चे तक संस्कार को भूलकर लाचार को सता रहे थे। लोग पूजा पाठ त्याग कर नृत्य संगीत एवं द्यूत क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। दिन दहाड़े चोरी जैसे कुकर्म चरम पर पहुंचने लगे थे। कलयुग में इस बढ़ते हुए पाप के निवारण में एक भक्त ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भक्त थे परम भक्त श्रीधर। चोर, चोर, मेरी पोटली को चोर लेके भाग गया। हे प्रभु श्री राम, ये कैसा समय आया है? क्या हुआ प्रभु, आपके विचलित होने का क्या कारण है? कलयुग, कलयुग के प्रथम चरण में ही धर्म पर अधर्म की काली छाया चारों दिशाओं में छाती जा रही है। यदि ये धर्म का अंधकार ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब काम, क्रोध, लोभ और अहंकार लोगों का भोजन और भजन होगा। संबंधों की कोई भी मर्यादा नहीं होगी, ना ही कोई किसी का सहारा बनेगा और ना ही कोई आसरा देने वाला होगा, ना ही किसी के प्रति आदर होगा और ना ही किसी का आशीष रहेगा। शिष्टाचार, संस्कार और भक्ति को परिहास का विषय माना जाने लगेगा। दूसरे मनुष्यों से नहीं, सभी को वस्तुओं से ही प्रेम होगा। प्रकृति का विनाश प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के रूप में सामने आएगा। सर कोई भी नहीं ढकेगा, किंतु नाक और मुख ढकना अनिवार्य होगा। अविवेक तो तब भी नहीं मिटेगा, मनुष्य जाति तब भी सर्वनाश की ओर बढ़ती रहेगी। धर्म अपने इस पतन को देखने के लिए विवश होगा, किंतु कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे प्रभु श्री राम ने अपने सेवक को धर्म की रक्षा करने का कार्य सौंपा है, किंतु इस दायित्व को संभालना असंभव ज्ञात हो रहा है मुझे। इस कलयुग में अधर्म की धारा को अकेले रोकना कैसे संभव होगा? अब जब तक मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम कल की अवतार लेकर पुनः नहीं लौटते, धर्म की रक्षा के लिए मेरा साथ कौन देगा? प्रभु, अब आप ही बताइए कौन खड़ा होगा मेरे साथ? माता, माता, आपके पदचाप का स्वर सुनकर मन शांत हो रहा है। माता, अपने इस भक्त को आप दर्शन दीजिए। प्रणाम माता।
हे भक्त शिरोमणि हनुमान, चिंता आपके मुख पर शोभा नहीं देती। आप तो सभी की चिंता, कष्ट और दुख को हरने वाले हैं। अब मैं शीघ्र ही आपके साथ होंगी, तो आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्या आपको स्मरण नहीं, प्रभु श्री राम ने आपसे क्या कहा था? मुझे स्मरण है माता, उन्होंने कहा था जब तक मेरे प्रभु कल्कि अवतार लेकर कलयुग में अवतरित नहीं होंगे, तब तक मैं आपके अवतरित होने पर आपका रक्षक और आपका सहायक बनकर रहूंगा। माता, किंतु वो कब होगा? आप धर्म की रक्षा करने के लिए कब आएंगी? वो समय अब निकट है भक्त शिरोमणि हनुमान। अब मैं जम्बू द्वीप स्थल में शीघ्र ही अवतरित होने और नियति के अनुसार कलयुग में मेरा आविर्भाव एक धार्मिक निष्ठावान भक्त के द्वारा होगा। और वो भक्त है श्रीधर, और वो भक्त है श्रीधर। जय माता की। सद्गुरु का स्वामी है, विकार रहित है, नियमित भजन और पूजन करता है। अधिक समृद्ध ना होने पर भी सदा पूजन भजन और दूसरों की भलाई में तत्पर रहे। भिक्षाम दे, कुछ खाने के लिए दे दो। स्वामी, घर में जो कुछ भी खाने के लिए था बस वही था जो आपने दान दे दिया। चिंता मत करो प्रिया, माता रानी की कृपा अवश्य होगी, हमें पर्याप्त भोजन अवश्य प्राप्त होगा। आओ प्रिया। वो जीवन के प्रत्येक पल में मेरा नाम लेता है, किंतु उसे मेरा परिचय प्राप्त नहीं। जय माता की। स्वामी, जिन माता रानी पर आपको विश्वास है, कौन है वो, कैसी है वो? मुझे ज्ञात होता तो मैं आपको अवश्य बताता प्रिया, किंतु माता रानी का स्वरूप मैंने भी नहीं देखा। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है माता रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है। माता रानी का नाम मुझे बल देता है, मुझे उत्साह, उमंग और आशा से भर देता है। माता, ये कैसे विचित्रता है? वो भक्त जिसे आपका परिचय भी प्राप्त नहीं, वो आपका इतना अटूट भक्त भला कैसे हो सकता है? भक्ति में भक्त अपने आराध्य को जाने बिना है, उसके आभास मात्र ही उसे पहचानता है। जैसे तुम जन्म से अपने प्रभु श्री राम के नाम की धुन में रमे हुए थे, अब तुम्हें भी कहाँ पता था कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं, उनका स्वरूप क्या है? बस राम नाम ही तो लगन थी तुम्हारी। किंतु जिस दिन
तुम्हें उनका परिचय प्राप्त हुआ, तुम्हारी भक्ति को एक नई दिशा मिली। माता, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे इस हनुमान का जन्म ही उसी दिन हुआ हो। वैसे ही अब भक्त श्रीधर का जन्म होने वाला है। आज हम उसे बस श्रीधर के रूप में जानते हैं, किंतु जब तक उसे मेरा परिचय कराने वाला नहीं मिलेगा, वो मेरा भक्त कैसे बनेगा? और मुझे भक्त नहीं मिला तो कलयुग में मेरा आविर्भाव कैसे होगा? इसीलिए हनुमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य किसी को तो निभाना ही होगा। माता, मैं समझ गया, ये कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या हुआ प्रभु? आप इतने विभोर क्यों हैं? क्या आपको आपकी दुविधा का समाधान मिल गया प्रभु? तो हमें भी बताने की कृपा करें कि कलयुग में मनुष्य के लिए स्वार्थ से मुक्ति का साधन क्या है प्रभु? भक्ति, एक ऐसे महान भक्त की भक्ति जिसे मैं शीघ्र जाकर जागृत करूंगा। ये कार्य स्वयं हनुमान जी करने वाले थे? हाँ, उस दिन संसार के सबसे महान भक्त एक अन्य भक्त को प्रेरणा देने जाने वाले थे। सुलोचना, देवी सुलोचना, प्रिया देखो आज मुझे क्या प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, माता रानी की कृपा से हमें पर्याप्त भोजन अवश्य मिलेगा। ये देखिए, और सत्य तो ये है, अगर ये भोजन ना भी मिलता तो भी हम भूखे नहीं रहते, क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। किंतु माता ने कृपा की है, माता रानी चाहे जो भी है ऐसी कृपा हमेशा करती रहे। ए माता की, किंतु इतना तो अज्ञात हो जाता कि माता रानी कौन सी शक्ति है। कोई तो ऐसा होता जो मुझे उनकी स्वरूप का परिचय दे सकता। मेरे मन में तो माता रानी की प्रतिदिन एक नवीन छवि उत्पन्न होती है। कभी माता रानी मुझे माता भवानी जैसी दिखाई देती है, और कभी माता विद्या सरस्वती जैसी। और कभी कभी माता रानी का नाम लेते ही माता लक्ष्मी की आकृति आंखों के सामने आ जाती है। माता रानी का भाव तो कभी ना कभी तो माता रानी का बुलावा स्वयं आए। आपके घर से माता रानी का नाम सुना, इसीलिए खिंचा चला आया आपके द्वार। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। भोजन के समय आप मेरे द्वार पर पधारे हैं, आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए प्रभु। भीतर आइए, पधारिए, विराजिए। मेरी पत्नी सुलोचना आपको भोजन परोस देगी। रुकिए, इतनी शीघ्रता क्यों? थोड़ी स्वास्थ्य तो लेने दीजिए। वैसे भी मेरे समान भक्त का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है।
क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने स्वयं आपको भेजा हो। यदि माता रानी ने भेजा है मुझे तो उसका कारण क्या हो सकता है भला? संभव है मुझे मेरी दुविधा से मुक्त करने। कैसी दुविधा? ब्राह्मण देवता, मेरा मन तो माता के प्रति ही समर्पित है। सुख दुख में मैं सदा उन्हीं का नाम लेता हूं, परंतु माता रानी कौन है ये मैं नहीं जान सका। उनका उचित परिचय प्राप्त नहीं है मुझे। वो महादेव की अर्धांगिनी है, शिवा है, या प्रभु ब्रह्मदेव की पत्नी माता ब्रह्मणी सरस्वती है, अथवा प्रभु नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी नारायण है। आपने जिन तीनों माताओं के नाम लिए वो कौन है, उनका परिचय दे सकते हैं आप मुझे? उनका मूल स्वरूप क्या है, क्या है उनका गूढ़ तत्व? माता आदिशक्ति, माताओं की माता की ही स्वरूप है तीनों माता। ये तो आपको और समझ आ जाएगा जब आप मेरे मुख से माँ वैष्णवी देवी की कथा सुनेंगे। माता वैष्णवी देवी, अद्भुत, जिनका नाम सुनने मात्र से भक्तिमय होकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हे ब्राह्मण देवता, बताइए ना वो कौन है? माता दुर्गा भवानी है, या माता लक्ष्मी है, अथवा माता सरस्वती की स्वरूप है माता वैष्णवी? आपके मन में जितने प्रश्न घुमड़ रहे हैं उन सभी का उत्तर आपको मिलेगा भक्त श्रीधर। मेरे मुख से माता की श्री कथा ध्यान से सुनिएगा। ये त्रेता युग की कथा है, जब एक अत्यंत समृद्ध राजा रत्नाकर राज करते थे। इतने महान राजा थे रत्नाकर कि राजकाज के सभी कार्य वो प्रतिदिन संध्या में ही करके राजा का रूप त्याग कर एक साधारण भक्त का रूप धारण करते थे। राजा रानी दोनों ही माता शक्ति के महा उपासक थे। माता शक्ति की जय। माता के उन दोनों भक्तों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्री की इच्छा, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों के गुण हों। माता की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते थे वो दोनों कि जब तक थककर चूर ना होते भक्तिमय होके नृत्य करते रहते। शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की, शीघ्र महारानी ने गर्भ धारण किया और फिर जब वो जन्म देने के निकट थी तो एक रात्रि प्रणाम माँ, आपका स्वागत है। नमो
मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपकी कृपा का पात्र बना, मेरा जन्म सफल हो गया। पुत्री रत्नाकर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। तुम्हें वो पुत्री देने आई हूँ जिनमें तीनों त्रिदेवियों के गुण समाहित होंगे। मैं ही आदिशक्ति जिसकी तुम पूजा करते हो। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त नारी शक्ति मुझ में ही समाहित है और मुझसे ही जागृत है। मैं ही उस शक्ति की प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वरूप हूँ। जो भक्त समृद्धि चाहता है उसके लिए देवी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। बुद्धि के प्रकाश के इच्छुक के लिए देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। और जब किसी भक्त को रक्षा की आवश्यकता होती है तो उसकी रक्षक बनकर आने वाली दुर्गा भवानी भी मैं ही हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्री रत्नाकर, मेरे तीनों रूप एक साथ एक नवीन रूप लेंगे। तुम्हारी पुत्री ही होगी मेरी वो स्वरूप। तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरे स्वरूप का जन्म शीघ्र होगा और वो श्री हरि नारायण की परम भक्त होगी। धन्यवाद माता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति। महाराज, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। स्वयं माता के समान दिव्यता से परिपूर्ण है ये। कात्यायनी तिज सप्तमं कालरात्रि। स्वामी, हमारे पुत्री का नाम क्या होगा? नवमं सिद्धिदात्री च। वो महान विष्णु भक्त होगी, इसलिए उसका नाम रखना वैष्णवी। स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या रखे अपनी पुत्री का नाम? हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। पुत्री रत्नाकर, जो पुत्री वैष्णवी की इच्छा होगी उसे वो सब करने की अनुमति देनी। उसे किसी भी कार्य के लिए रोकना मत। जो आ गया माता। जय माता दी। नारी अन्नपूर्णा है, अर्थात माता पार्वती की रूप है। समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी है और ज्ञान प्रदान करने वाली माता सरस्वती भी। जब वो नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो स्वयं माता दुर्गा का रूप भी धारण करती है। ऐसी अपार नारी शक्ति से संपन्न माता वैष्णवी का जन्म हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आगे क्या हुआ गणेश जी? और हनुमान जी को उनके बारे में कैसे ज्ञात था? भविष्य में जब वो सुभग और शिष्ट युवती हुई तो राम भक्त हनुमान को ही नहीं अपितु स्वयं श्री राम को भी माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए आना पड़ा था। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गईं।
और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिवस हो या रात्रि, उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था और वो जो भी करती वो प्रभु विष्णु जी की पूजा और सेवा के लिए ही करती थी। विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरथानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मधुसूदनाय नमः ओम केशवाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः ओम केशवाय नमः नारायण नारायण अद्भुत। स्वामी, भोर से हमारी पुत्री वैष्णवी ऐसे ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के सामने बैठी है, पलके तक नहीं झपकी है उसने। हमारी पुत्री विष्णु भक्त है, उसे अपने पूजा का पूर्ण अधिकार है, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देवी, दिन बीतते गए और इससे अनभिज्ञ माता उसी प्रकार प्रभु की प्रतिमा के पास बैठी रही। किंतु कितने दिन? पूरे 11 दिन। स्वामी, 11 दिन बीत चुके हैं, अन्न जल सब त्यागे बैठी है हमारी पुत्री, कहीं उसे कुछ हो गया तो। उसकी भक्ति पे मुझे भी पूर्ण विश्वास है, किंतु ये तो अब अति हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। स्वामी, महारानी, भक्ति तो भक्त और प्रभु का सीधा संबंध होता है, उसमें हम कौन होते हैं रोक टोक लगाने वाले। वो पुत्री है मेरी, मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकती स्वामी, नहीं देख सकती। महारानी, नारायण नारायण, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। आगे स्वामी,
आप उसे नहीं रोकेंगे, किंतु बिना जल और अन्न के ऐसे कितने दिन जीवित रह पाएगी हमारी पुत्री? रहेगी देवी, अवश्य रहेगी। जैसे इस थाल में रखे दीपक बिना घृत के प्रज्वलित हैं, उसी तरह हमारी पुत्री की जीवन ज्योति को कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण, मुझ देवर्षि का प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी वैष्णवी। प्रणाम देवर्षि, आपको देखकर मेरे प्रभु के निकट होने का आभास हो गया। प्रभु के परम भक्त के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। नारायण नारायण, क्या आपको प्रभु ने भेजा है? देवी, आपके मधुर स्वर का आकर्षण ही ऐसा है कि मैं स्वयं खींचा चला आया। मेरी भक्ति का आकर्षण, उसका मधुर स्वर मेरे प्रभु तक भी पहुंच पाता तो और भी अच्छा होता देवर्षि। नारायण नारायण, देवी आपकी भक्ति के मधुर स्वर की गूंज प्रभु के निकट अवश्य होगी। उन्होंने भी आपको उनकी भक्ति में इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर बिना पलक झपकाए डूबे हुए अवश्य देखा होगा। किंतु मैं तो बालपन से मेरे प्रभु की आराधना कर रही, तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए देवर्षि? क्या हुआ देवर्षि, क्या इसका कोई अन्य कारण है? देवी, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि प्रभु श्री हरि नारायण ने अयोध्या नरेश श्री राम का अवतार लिया है। किंतु वो 14 वर्ष के वनवास में है। मेरे प्रभु वनवास में है, मैं भी वन जाऊंगी, उनसे भेंट करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, उनके सुख दुख को अपना बनाकर उन्हें दूर करूंगी, उनके सुख दुख की संगनी बनूंगी, उनकी पत्नी बनूंगी। हाँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। ये तो उन्होंने अत्यंत कठिन प्रण ले लिया था गणेश जी। हाँ पुष्पदंत जी, माता वैष्णवी का यही प्रण भविष्य में उनके आविर्भाव एवं भक्त श्रीधर से उनकी आराध्य माता वैष्णो देवी के मिलन का माध्यम बना। मैं वैष्णवी प्रभु श्री राम से विवाह करूंगी। सदैव उनके साथ रह सकते। किंतु प्रभु श्री राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है। ये कैसे संभव था? माता वैष्णवी देवी का विवाह प्रभु श्री राम से? क्या उनकी इस इच्छा से प्रभु श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न नहीं हुई? ये प्रश्न तो भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी देवी सुलोचना के मन में भी थे। प्रभु श्री राम का विवाह तो वनवास के पूर्व ही माता सीता के साथ हो चुका था। रावण देवता माता रानी को किसी ने रोका नहीं? माता रानी जब निर्णय लेती हैं, तो किसी के भी रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता मत करिए महारानी, सब कुशल होगा, पुत्री वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी। पुत्री, पुत्री, पुत्री वैष्णवी। सब ठीक तो है ना? पुत्री वैष्णवी, पुत्री
पुत्री, क्या कोई चिंता का कारण तो नहीं? नहीं पिताजी, माँ चिंता का कारण नहीं है, हर्ष का कारण है। हर्ष, किंतु तुमने ये वेशभूषा क्यों धारण की है? माँ, जब मेरे आराध्य के अवतार मेरे प्रभु श्री राम वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उनकी भक्त को राजभवन के सुख भोगना शोभा देगा? कदापि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सुख दुख में प्रभु के साथ रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने इस भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते? मैं कहां ढूंढूं आपको? मेरा मार्ग दर्शन कीजिए प्रभु, मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। ये बच्चे अद्भुत दिव्यता है इनमें, अवश्य मेरे प्रभु यहां से गए हैं। श्रीराम, वहाँ के आगे कभी प्रभु के पद चिन्ह तो कभी उनके स्पर्श का आभास उन्हें मिलता रहा, और माता रानी देवी वैष्णवी आगे बढ़ती रही। इसी प्रकार माता रानी देवी वैष्णवी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को देखते हुए पंचवटी से किष्किंधा पहुंची। हाँ, भक्ति का पवित्र पावन धाम किष्किंधा, जहां श्री प्रभु राम के प्रमुख भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान को प्रथम बार अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे बोलो नयन स्वयं ही विदाई। हाँ, उसी दिन भक्त को अपनी भक्ति का उद्देश्य मिला, अपने प्रभु के चरणों में अपना ठौर मिला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हे श्री राम। प्रभु आपके स्पर्श से निशीला भी दिव्यता से भर गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, मैं धन्य हुई प्रभु। प्रभु प्रणाम। प्रभु आपके दिव्य दर्शन पाते समय आपकी दृष्टि दक्षिण की ओर थी, अर्थात मुझे उसी ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। जब भक्त को दिशा मिल जाए तो वो विलंब नहीं करते। माता रानी देवी वैष्णवी उसी क्षण दक्षिण की ओर बढ़ गईं। तो अंततः प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हो ही गई। नहीं, माता वैष्णवी के वहां पहुंचने के पूर्व ही प्रभु श्री राम लंकेश रावण से निर्णायक युद्ध करने हेतु लंका के लिए कूच कर चुके थे। अतः माता वैष्णवी ने वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ओम वैष्णवे नमः। ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। एक ओर जहां माता वैष्णवी तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम दशानन लंकेश से घमासान युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध की संपूर्ण अवधि में माता रानी देवी वैष्णवी तपस्या में लीन रही। ओम सुभिक्षणाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। और फिर इस विजय यात्रा के बाद अब प्रभु श्री राम की एक और यात्रा का समय था। उनके वनवास के अंत के साथ माता सीता के संग अयोध्या लौटने का समय। तो उन्होंने मुझे आपको ऋषिवर आप मिले थे प्रभु श्री राम से? मेरा अर्थ है प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान को पहले ही भेज दिया जिससे वो जाकर प्रभु के भ्राता भरत को सूचना दे सकें और तब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रभु माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या के लिए निकले। किंतु प्रभु श्री राम ने तो पुष्पक विमान में उड़ान भरी और माता वैष्णवी देवी धरती पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो प्रभु ने उन्हें कैसे देखा? आशा और विश्वास से सब संभव हो जाता है। माता रानी भी विश्वास को स्थिर रख प्रभु की प्रतीक्षा में तपस्या करती रही। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सुभिक्षणाय नमः। ओम श्रीमत् नमः। ओम केशवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना सबको दे दी, किंतु मार्ग में ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रभु क्या हुआ? आपने विमान क्यों रोक दिया है? मैंने नहीं रोका हनुमान, ये कार्य किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का है।
प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी इसका रहस्य ज्ञात कर लेता हूँ। सुदीक्षिणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है यहाँ जो प्रभु के भक्ति भाव में इतनी डूबी हुई है? ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है, कैसे दिव्य शक्ति है स्वामी जिसने हमें भी यहाँ थाम दिया? इसका रहस्य क्या है ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं, ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ओम सुभिक्षणाय नमः। इनके भक्तिमय स्वर में, इनके इस दिव्य जाप में अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति से प्रभु का विमान भी रुका होगा। प्रभु को शीघ्र जाकर बताता हूँ। शिवाय नमः। प्रभु जिनके व्यक्तित्व में दिव्यता का ओज है और स्वर में मात्र आपके प्रति भक्ति, प्रभु ऐसी एक देवी है जो केवल आपकी प्रतीक्षा में तपस्या में लीन है। वो कौन है हनुमान? प्रभु बस उनका इतना परिचय ज्ञात है कि उनकी भक्ति की शक्ति अपूर्व है। प्रभु अद्भुत है, माता के समान तेजोमय है उनका मुखमंडल। तो वह अवश्य आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही होंगी प्रभु। ऐसे भक्त को उनकी भक्ति का फल शीघ्र ही मिलना चाहिए। मुझे उन देवी के पास ले चलो हनुमान। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। प्रभु मेरी तपस्या सफल हुई, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। नहीं देवी, उठिए। कृतार्थ तो हम हुए हैं देव, आपकी तपस्या, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा ने हमें आगे नहीं जाने दिया। मैं आपकी इस अटूट निष्ठा से बहुत प्रभावित हूँ। अब भक्त की इच्छा ही मेरी भी इच्छा है।
प्रभु के दर्शन, तभी इच्छाओं का अंत है प्रभु। मैं तो बस आपके चरणों में रहने की इच्छुक हूँ, आपकी सहभागिनी बनकर, मुझ पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। क्षमा कीजिए देव, ये संभव नहीं है। मैं वचनबद्ध अपने इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा और देवी सीता ही मेरी पत्नी है, इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए देवी, मैं वचनबद्ध हूँ और देवी सीता ही मेरी पत्नी है, इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु आप चिंता न करें, समय आने पर आपको आपकी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। आपके आराध्य प्रभु श्री हरि नारायण आप पर कृपा वर्षा अवश्य करेंगे। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा तो आपसे ही विवाह करूंगा, किंतु त्रेता युग से कलयुग तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु। मैं अवश्य करूंगी, आपकी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भक्त और भगवान के संबंध को और सुंदरता प्रदान करेगी। आप इसमें अकेली नहीं होंगी देवी। कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बनेगा। ईश्वर की परीक्षा में व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाने की भावना छिपी होती है, इसलिए अंत तक धैर्य नहीं खोना।